हेलो दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए, मेरे पास पैशन प्रो है और इसमें एक वायरिंग की प्रॉब्लम हो रही है। वो क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बताऊंगा और उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको खोलते हैं, इसकी टंकी वगैरह उतारते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। बहुत ही आप देखोगे तो आप हैरत में चले जाओगे कि इस तरीके की प्रॉब्लम भी आती है, कैसे कैसे फोल्ड आते हैं आप ये सोचोगे। तो चलिए ठीक है, इसको खोलते हैं और फिर आगे मिलते हैं। देखिए, मीटर में कुछ भी शो नहीं कर रहा है और सबसे पहले मैं आपको इसकी बैटरी चेक करवा देता हूँ। बैटरी चेक करवाओ। देखिए, बैटरी बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की चार्ज है, इंडिकेटर जल रहा है। एक वायर के द्वारा भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। टच करो, देखिए आपको स्पार्किंग की आवाज़ आई होगी। तो इसकी बैटरी भी सही है और जहाँ पे हम 12 वोल्ट लाइन चेक करते हैं वो भी देखते हैं एक बार, ठीक है नहीं 12 वोल्ट लाइन एक बार चेक करो। इंडिकेटर के द्वारा चेक करो। देखिए, एक बार यहाँ पे ये फ्लेशर कपलर है, यहाँ पे करंट, आप सोच रहे होंगे कि इसके लॉक में दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे करंट तभी आएगा जब लॉक काम करेगा। देखिए, यहाँ पर भी करंट है और एक बार सीढ़ी पर देखते हैं, सीढ़ी पर भी देखो आ रहा है या नहीं। ये निकालो, इंडिकेटर उठा इधर से। देखिए, एक वायर रेड वायर में यहाँ पे लगाई और अब चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर भी 12 वोल्ट लाइन आ रही है। तो ऐसा जब 12 वोल्ट सारे में आ रहा है, जैसा कि आपने देखा 12 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ना ही यहाँ पे करंट आ रहा है स्पार्किंग करंट और ना ही 12 वोल्ट मीटर में कुछ शो कर रहा है। बैटरी की कंडीशन आपने देखी, बैटरी इसकी बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है और ना ही देखिए हॉर्न इंडिकेटर वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना ही सेल्फ काम कर रहा है। और अगर बात करें न्यूट्रल की तो यहाँ पे देखिए अभी गाड़ी गियर के अंदर थी और न्यूट्रल यहाँ पे आ जाता है। और अगर सेल्फ मार के चेक करते हैं तो सेल्फ काम कर रहा है और कुछ भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है, मीटर ना लाइट वगैरह कुछ भी, और ना स्पार्किंग करंट आ रहा है। यहाँ पे प्लग रिएक्टर पे चेक करते हैं एक बार, यहाँ पे चेक करो। निकाल लो, निकाल लो। देखिए, यहाँ पर भी करंट नहीं आ रहा है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका जो ये अर्थिंग लगा हुआ है, ये भी अच्छी तरह टाइट है। देखिए यहाँ पे सेल्फ के द्वारा, और अगर ये सबसे मेन पॉइंट की बात यह है, अगर ये टाइट ना होता तो सेल्फ काम नहीं करता। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, पूरी बॉडी के अंदर अर्थिंग रहता है लेकिन वो अर्थिंग वायरिंग के अंदर कहाँ जाता है। सपोज मैं आपको ये हरी वायर दिखा रहा हूँ तो इसके अंदर अर्थिंग कहाँ से आया, सबसे मेन बात यह है। तो बॉडी के अंदर तो अर्थिंग चला गया, अब हमारी कॉइल प्लेटें जो होती हैं, देखिए इस साइड में आपको दिखाता हूँ, ये जो मैग्नेट कॉइल है इसकी, ये इंजन के साथ जुड़ी रहती हैं और ये अर्थिंग भी इंजन के साथ जुड़ा रहता है। तो जब बाइक सेट होती है तो पूरी बॉडी में कॉइल के द्वारा भी अर्थिंग जाता है और यहाँ से बैटरी में भी जाता रहता है इस वायर से। ये जो वायर देख रहे हो, जो बैटरी से आ रही है ये वाली, और इसके द्वारा बैटरी भी चार्ज होती रहती है, ठीक है, यहाँ से ये जो अर्थिंग लगा हुआ है। लेकिन वायरिंग के अंदर कहाँ से घुसता है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। इसकी हमने टंकी वगैरह उतारी थी तो तब यहाँ से ये कपलर निकालना पड़ा था, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिला डुला दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर कितनी ज़्यादा डस्ट है, ठीक है, और मैं इसको आपको अलग निकाल के दिखाता हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट इसके अंदर भरी हुई है ना। तो यहाँ देखिए, ये जो कोयल है ये बॉडी से भी जुड़ी रहती है और अर्थिंग भी बॉडी से जुड़ रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। और वायरिंग के अंदर जो अर्थिंग जाता है वो यहाँ से जाता है और यहीं पे आ गया डस्ट। और एक दूसरी चीज़ क्या हुई,
देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको साफ करके लगा दो, एयर से साफ कर दो एयर से। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे कुछ वायर प्लेसर वगैरह के भी कटे हुए थे, यहाँ पे जो अर्थिंग रहता है उसकी भी कट गई, ये भी बस लगा दो, ये भी जुड़ी रहती है बॉडी से और इसके द्वारा भी वायरिंग में अर्थिंग जाता है, तो दोनों टूट गई। अगर इन दोनों में से एक भी मतलब सॉरी एक टूट गई और एक में आ गया डस्ट, तो अगर इन दोनों में से एक भी सही लगी हुई होगी तो अर्थिंग की ऐसी समस्या नहीं आएगी। मैंने आपको सारी जगह 12 वोल्ट चेक करवा दिया लेकिन ना स्पार्किंग कराट आ रहा है ना कोई भी फंक्शन शो कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी ये लगाते हैं जो भी हमने इसके कपड़े वगैरह निकाले थे और फिर चेक करते हैं। इसके कपड़ा लगाओ, ठीक है उधर से टाइट हो गया जी, लूजिंग तो नहीं आई है, देख लेना एक बार। इसको अंदर वो घुसाओ पहले, अभी भी करंट नहीं आया है ऊपर, रुक जाओ एक मिनट, अंदर घुसाओ अंदर, इसको यहाँ से अंदर ऊपर अंदर घुसाओ अच्छी तरह। आ गया आ गया आ गया आ गया, बस देखिए यहाँ पे सब कुछ शो करने लगा है, यानी इसकी जो यहाँ पे डस्ट आ रहा था इसीलिए अर्थिंग वायरिंग के अंदर नहीं जा रहा था, बॉडी के अंदर सभी जगह अर्थिंग था, जैसे कि मैंने आपको इंडिकेटर के द्वारा पहले चेक करवाया और यहाँ पे ये फ्लेशर का निकला हुआ है, इसको भी मैं लगा दूंगा। चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं, एक बार यहाँ पे इसको लगाओ, थोड़ा पीछे से पकड़ना थोड़ा सा, ठीक है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अगर सभी जगह 12 वोल्ट आ रहा है और बॉडी में अर्थिंग है लेकिन वायरिंग के अंदर अर्थिंग नहीं है। कन्फ्यूजन ये होता है कि बहुत से मैकेनिक क्या करते हैं, वायरों में अर्थिंग चेक नहीं करते, केवल बॉडी से करते रहते हैं, जैसे मैं आपको पहले दिखा रहा था, तो आप ऐसा ना करें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।